दुनिया जा सिंधियों एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन अखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफ़िन उस्तादन वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजणन खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐ खुशहाल थिए सिंधी मानू सुख्यो ऐ सतावो थिए रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां सभिनी खे भलीकार जेके बि सिंध में रहियो सिंध खां ॿाहिरि रहियो जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ु पहुचे थो जिते जिते सिंधड़ीअ जा मारूवड़ा वसनि था रहनि था ऐं जिन जा कन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध खे ॿुधण लाइ आता हूंदा जिन जा कन सिंधी आवाज़ खे ॿुधण लाइ आता हूंदा उन्हनि सभिनी खे मुंहिंजो सलाम ऐं आहियां अवांजो पंहिंजो अली नवादारी सर समय असांजे हिन अॼोके हिन प्रोग्राम सिंधी अदब में औरतुनि जो हिसो जे जेके अॼु टे लेखिकाऊं आहिनि अतिया दाऊद सिंधी ॿोली जी नियायत ख़ूबसूरत शाइरा ॿी असांजी जेका कहाणीकार आहे ग़ज़ाला शाहीन बुटो ऐं टी जेका असांजी आहे उहा थरजाई आहे जेका फातिमा ज़हरा काज़ी जंहिंजो हूअं त ईअं खणी चइजे त अदबी हवाले सां को कंट्रीब्यूशन त न आहे पर हुन जेका पंहिंजो आत्मकथा जो जेको असांखे किताबु ॾिनो आहे ऐं उहा ई ज़ात जंहिंखे आउं सिंधी अदब में समना हयात जे हवाले सां हिन ते आई शाकार किताबु चवां थो समय सभ खां पहिरीं दाफ़ाकश ऐं जाखोड़ी इंसान समाजी हवाले सां बि वॾो नालो शाइराणे हवाले सां बि वॾो नालो असांजी अतिया दाऊद सां वाक़ुफ़ु कराईंदो आहे शाइर आहे ड्रामा नवीस ऐं समाज सुधारक अतिया दाऊद जो शुमार सिंध जे उन्हनि चंद लेखकाउनि में थिए थो जिन पंहिंजे वत ऐं वसाए समाज जे ज़हनी अवसर लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे औरतुनि में सुजाॻी आणण लाइ जाखोड़नि संदसि मक़सदनि में शामिल शुमार आहे अतिया दाऊद 13 अप्रैल 1958 ईस्वी ते ज़िले नौशहर फिरोज़ जे ॻोठ मोले ॾिने लाड़क में मोहम्मद दाऊद लाड़क जे घर में जनम वरितो संदसि ख़ानदान जो पेशो मज़हबी तालीम ॾियणो जंहिं करे मुला आखूंद सॾिजे थो हिन जे वालद साहिब मकतब मदरसे में पढ़ाइण खां खुली बग़ावत कंदे कमेटीअ जो इम्तिहान ॾिनो ऐं मास्तर थियो ॻोठ में स्कूल खोल रहिया आहियूं पंहिंजी पहिरीं घरवारीअ खे मास्तरियाणी मुक़ररु करायाई संदसि औलाद पढ़ियल ऐं बादशाहू रहे वॾी नियाणी कमेटीअ जो इम्तिहान पास करे उस्ताद मुक़ररु थी उतां तरक़ी कंदे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो उहिदे ते पहुती जेका नवाबशाह ज़िले जे स्कूलनि जा इम्तिहान वठंदी हुई अतिया दाऊद 6 सालनि जी हुई त संदसि वालिद हिन जान मां लाॾाणो करे वियो उन बाद संदसि तालीम थोरी तरबियत में संदसि वॾे भाउ महमूद लारक जो उहो अहम किरदारु आहे हिन मीरा स्कूल मां मेट्रिक ऐं ज़ुबैदा गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद मां इंटर कई उन बाद संदसि घरवारा लॾे कराची विया जिते हिन अॻिते तालीम जारी रखी एम ए जी डिग्री हासिलु कई अदबी ऐं समाजी सरगर्मियूं बि उतां ई शुरू कयाई अतिया दाऊद खे लिखण जो शौक़ु नंढपण खां जाॻियो शुरू में हू पंहिंजे भाउरनि खे ख़त लिखंदी हुई
जेके रोज़गार सां जे ॿाहिरि रहंदा हुआ, वधीक ख़तनि लिखण जो ॾांहुं सुठो हो। उन्हनि ख़तनि में मिज़ाज़ भरियलु हूंदो हो, जेके संदसि भाउरनि खे तमामु घणो वणंदा हुआ। जेके संदसि हौसले अफ़ज़ाई पिणु कंदा हुआ, पहिरियों भेरो 1973 ईस्वी में लाल पाकिस्तान अख़बार में हमीदा हुसैन जी इदारत हेठि निकिरंदड़ औरतुनि जे सुफ़े सुगड़नि सथ में लिखणु शुरू कयाई, जंहिंते घर जा भाती नाराज़ पिणु थिया। पर पोइ हिन अतिया लड़क बजाए अतिया दाऊदी नाले सां लिखणु शुरू कयो। उन नाले सां अॼु ताईं लिखंदी अचे। पहिरियों भेरो संदसि उर्दू शायरी उर्दू रिसाले जफ़ाकश में छपी। उन खां पोइ बाक़ाइदा 1980 ईस्वी में लिखणु शुरू कयाई। अतिया दाऊद 1987 ईस्वी में सिंधी अदबी संगत में शमूलियत कई। पाबंदीअ सां अदबी संगत जे गॾिजाणियुनि में हिसो वठणु लॻी। अदबी संगत कराचीअ में उन वक़्तु रोशन ज़मीर ऐं रोशन ख़्याल कलमकार अनवर पीरज़ादो, फ़क़ीर मोहम्मद लाशारी, बदर कुरेशी जहिड़ा माण्हू हूंदा हुआ, जिन जी सोबत में हिनखे सिखण जो मौक़ो मिलियो। दोस्ताने माहौल में तनक़ीद बि थींदी हुई त इस्लाह बि थींदी हुई। बदर कुरेशी सां रोडा थो पेश आयो, जंहिं वटि अदबी संगत जूं गॾिजाणियूं बदर कुरेशी जे घर थींदियूं हुयूं। अतिया उन्हनि ॾींहनि में फेमिनिस्ट नज़रिए ते मज़मून ऐं नज़म लिखणु शुरू कया, जीअं त संदसि शुरू खां लाड़ो फेमिनिस्ट नज़रिए ॾांहुं हो ऐं WAF में शमूलियत करे औरतुनि में सुजाॻी जागरता शुरू कयाई। न्यायती सरगर्म थी कमु करणु लॻी। उन दौरान हिन वधीक कमु करण जो सोचे सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन सिगा जॉइन कई। पहिरियां मेंबर, पोइ प्रेस सेक्रेटरी तौरु ज़िमेवारियूं संभालियईं। पर पोइ कंहिं मुतासिब रवैयनि सबबु हिनखे उहो चई सिगा खां धार कयो वियो त तुंहिंजी अञा BA मुकमल नाहे थी, तंहिं करे तूं हिन तंज़ीम जी मेंबर नथी थी सघे। जीअं त पाण हिकु ख़ुददार क़िस्म जी औरत रही आहे, हिन उन वक़्तु ई सिगा खे अलविदा कयो। वरी कॾहिं बि सिगा ॾांहुं लाड़ो न कयईं। पाण हिन वक़्तु WAF जी सीनियर मेंबर ऐं औरत आज़ादी डायरेक्टर आहे। हिन औरतुनि जे मसलनि ते औरत जे भोगनाउनि जे हवाले सां आवाज़ उथारियो। सिंध जे तक़रीबनि ॻोठनि में शार्ट स्टोरीज जे हवाले सां मुशाहिदा कंदी रही आहे। हिन WAF ASR ज़िया एवान औरत फाउंडेशन ऐं ॿियनि NGOs जे प्लेटफॉर्म तां कमु कंदे औरतुनि में समाजी तब्दीली ऐं ज़हनी सुजाॻीअ जो लाड़ो आंदो। अहिड़ीअ तरह औरतुनि जे हक़नि लाइ ॾाखो ॾींदड़ उन्हनि तंज़ीमुनि जे कावशनि जे नतीजे में सिंध में औरतुनि जे हवाले सां अॼु केतिरियूं ई तंज़ीमूं कमु करे रहियूं आहिनि, केतिरियूं ई छोकिरियूं अॻियां आयूं आहिनि। अतिया दाऊद समाजी सरगर्मियुनि में खां अलावा शाइरी ऐं ड्रामा राइटर पिणु आहे। हिन जो ड्रामनि लाइ लाड़ो नामवर ड्रामा नवीस सुल्ताना सिद्दीकी ऐं नूरुलहुदा शाह जी हिमत अफ़ज़ाई सां थियो। हिन औरतुनि जे हवाले सां केतिरा ई उर्दू ड्रामा लिखिया, जिन में गॾी तुंहिंजे क्या मालूम, अशियाने की बात करते हो, जन्नत की जन्नत ऐं टे सीरियल हसन आरा कौन, परवेज़ ऐं हल्की ख़लश तमामु घणा मक़बूल थिया। अटिया बुनियादी तौरु तख़लीकी ज़हन रखंदड़ हुई। केतिरा ई मज़मून मुख़्तलिफ़ अख़बारनि ऐं रिसालनि में छपजंदा रहिया आहिनि, तंहिं करे हिनखे ड्रामे जे मैदान में बि का ॾुखियाई पेश न आई। हिन शायरीअ में बि पाण मञाए जदीद शाइराउनि में पंहिंजो नालो लिखारायो अथसि। संदसि शायरीअ जा ॿ किताब शराफ़ती पुलसुरात ऐं अणपूरी चादर छपजी चुका आहिनि। किताब शराफ़ती पुलसुरात जो मुआग जदीद सिंधी शायरीअ जे बानी शेख अयाज़ लिखियो आहे। संदसि ॿिए किताब सिंध ॿई किताब सिंध में मक़बूलियत माण्हुनि सां गॾु ॿियनि ॿोलियुनि अंग्रेज़ी ऐं उर्दूअ में बि तर्जुमो थी मञता माणे चुका आहिनि। शायरी अंग्रेज़ी में तर्जुमो थियल रेगिंग टू बी फ्री, शराफ़ती पुलसुरात उर्दू में उर्दू तर्जुमो फहमीदा रियाज़ कयो आहे। सिंधी औरत की कहानी उर्दू मज़मून, सिंध की औरत सपने से सच तक उर्दू मज़मून, ऑटोबायोग्राफी हिंदी में, ऑटोबायोग्राफी बीहर उर्दू में छपियल, OUP ऑक्सफोर्ड प्रेस साॻियो किताब ॿीहर अंग्रेज़ी में पिणु छपियो। अवां जो जिस्म ऐं सत उर्दू ऐं सिंधी में छपिजी चुका आहिनि। हिन शायरीअ में बि समाजी अणबराबरी मतभेद रवैयनि खे निंदियो आहे। संतो इज़ार हिननि सिटनि मां चिटो नज़र अचे थो। हुन खां अॻु जो सग मुंहिंजे अंदरि मां नफ़रत बणजी फुटे, हुन खां अॻु जो सग मुंहिंजे अंदरि मां नफ़रत बणजी फुटे, सच त इहे समूरा वेछा पाणूं पटे उछलायूं। या वरी हिननि सिटनि में उहा औरत जे अहसासनि जी मंज़र कशी करे थी। मुंहिंजे वारनि में आङरियूं फेरींदे मुंहिंजा महबूब, मुंहिंजे वारनि में आङरियूं फेरींदे मुंहिंजा महबूब, मूंसां उहे ॻाल्हियूं न कर जेके दोस्तनि सां कंदो आहीं। अतिया दाऊद उर्दू चैनल हम TV ते कुझु वक़्तु नौकिरी कई। हम TV ते असीर शहज़ादीअ जे नाले सां ड्रामा लिखिया ऐं हम TV ते स्क्रिप्ट एडिटर बि रही। पाण हिन वक़्तु हम TV जी नौकिरी छॾे चुकी आहे, पर ड्रामा अञा ताईं लिखंदी रहे थी। संदसि इल्मी अदबी पोरियो तमामु घणो आहे। समाज में औरत जी अहमियत हवाले सां लिखियल संदसि मज़मून शाहकार आहिनि। किताबी सूरत में अचनि त हिकु बहितरीन दस्तावेज़ थी सघे थो।
हत्या दाऊद 99 ईस्वी में नामोर आर्टिस्ट खुदा बख्श अबड़े से शादी कई खेस बिन न्याण सू सुहाई जो औलाद है। हत्या दाऊद की धी सुहाई बेहतरीन रक्त करे जाने आर्टिस्ट है तमाम सुठी जगह से मेहनत पे करे संदस उभार है सो न्याय की खूबसूरत है यकीन सुबाने सिंध में वो नालो कमाईंदी असोग्राम की जी लेखका है सा मिजाज मुनफरद कलमकार गज़ाला शाहीन भुट्टो सिंध की नाले वाली लेखका ड्रामा नवीस गज़ाला शाहीन भुट्टो जो असल नालो सुगरा भुट्टो 1946 ईस्वी में टंडे वली मोहम्मद हैदराबाद में जन्म वरतो इन मकामी तरह तालीम हासिल कंदे 1967 ईस्वी में नफ्सियात में एमए की डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी में हासिल कई है। वह नंढपण का ही ज़हीन हुई इनके स्कूल की पढ़ाई दौरान लिखने का शौक पैदा थो इन नंढ्यू नंढ्यू मजाया कहानियों खाका लिखा जेके बाद में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पारा जारी थन्दड़ प्रोग्राम गुलदस्तो में नशर थिया जिनके पूरी सिंध में तमाम घणो पसंद कयो वियो ऐं 10 सालन ताईं मुसलसिल मज़ाया खाका लिखंदी रही। उनखां सवाइ हिन टीवी चैनल लाइ बि खाका ऐं स्क्रिप्ट लिखिया जेके पिणु ख़ासा मशहूरु थिया। हिन जो मिज़ाज हिसु निहायती तेज़ हुई ऐं हू मिज़ाज में ॾाढी महारत सां लिखंदी रही। रेडियो टीवी ते नशर थियल संस खाकनि जो हिकु मजमूओ चंड ऐं रिलीज नाले सां सिंध पब्लिशिंग हाउस हैदराबाद पारां 1975 ईस्वी में छपिजी पधिरो थियो जंहिंमें चंड ऐं रिली ख़बरदार लॻी शर्त नई जाइ चुगलखोर हाइड़े हाफ़ज़ो जाड़ियूं इंसाफ़ खीरमुंडी ख़ुशमिज़ाजी जहिड़ो ग़लती ग़लतफ़हमी भोग जादू रंग अटकल जे नालनि सां कुल 17 खाका ॾिना विया आहिनि। संदस खाकनि जे मौज़ूअनि मां पतो पए थो त ही समूरा खाका मज़ाया हुअण जे बावजूदि हिकु अलॻि माना पिणु रखनि था जंहिंमें हिन समाज जे केतिरनि पहलुअनि खे वाखो कयो आहे। हिन किताब जो मुआग नाले वारे शाइर ऐं ड्रामा नवीस शमशेर लाइदरी लिखियो आहे ऐं शमशेर मुआग में लिखे थो गज़ला शाहीन शाहीन जे नाले सां गॾु संदसी खाका हुन करे हिकु ग़ैर मामूली मिसाल था बणजनि जो उहे तंज़ ऐं मिज़ाज पहिराए में लिखियल आहिनि। मर्दनि पंहिंजे घरू झगड़नि वारे तारीख़ी तजुर्बे जे बुनियाद ते ही ॻाल्हि पहाको बनाए मशहूरु करे छॾी आहे त औरतुनि खे ख़ुशि तबई ऐं ख़ुशि मिज़ाजी तंज़ ऐं मिज़ाज जो मज़ाज ई कोन्हे। औरतुनि बाबति इहा ॻाल्हि सॼी दुनिया जा मर्द कनि था इन करे एॾी वॾी दावा जे मुक़ाबले में को बि मामूली क़दम ग़ैर मामूली ई सम्झणु खपे। हूअ बि तंज़ ऐं मिज़ाज जी सिनफ़ ॾाढी ॾुखी आहे। कंहिं नक़ाद चयो आहे त तंज़ ईअं आहे जो माण्हूअ खे चौंडड़ी पाइजे ऐं मिज़ाज ईअं आहे जो माण्हूअ खे किटकटाई कजे। रुगो चौंडड़ी पाइण रुगो खिलाइण हिकु बेमक़सद ॻाल्हि आहे। तंज़ ऐं मिज़ाज जो मक़सदु तॾहिं पूरो थो थिए जॾहिं उहे ॿई कम हिकु वक़्त अदा थियनि। गज़ाला जे खाकनि में उहा वसफ़ पिणु मौजूदु आहे ऐं को बि खाको मर्ज़ तफ़रीह कोन्हे को बि खाको मर्ज़ चखरबाज़ी कोन्हे। शमशेर जे मथे रहे न्याय वज़नदार आहे। छाकाणि जो हीउ समूरा खाका मर्ज़ तफ़रीह न पर केतिरनि ई नुक़्तनि खां खाराइता आहिनि। अहिड़ीअ तरह ही किताब सिंधी अदब में अहम जाइ वालारे थो ऐं हिन मौज़ूअ ते ई पहिरियों किताबु हुअण करे बि अहमियत इज़ार कए। जीअं त गज़ाला शाहीन रेडियो टीवी ॿिन्ही लाइ मज़ाया खाका लिखिया आहिनि ऐं संस्कृति पोरे जो हिकु ई मजमूओ छपजी महफ़ूज़ थी सघियो। सद बाक़ी समूरो मवाद ज़ाया थी वियो आहे जेको जेकॾहिं को मांझी मुर्स गॾु करे छपाए त सिंधी अदब जे ढोल में हिकु बेबा इज़ाफ़ो सम्झियो वेंदो छो त अदब जी हर सिंध काराइती हूंदी आहे ऐं असांजे सिंधी अदब में मज़ाया अदब जी तमामु घणी खोट पिणु रही आहे। कहिड़ी रीति हिन किताबु 80 वारे ॾहाके में तमामु घणी मक़बूलियत माणी अहिड़ी रीति सां ॿियो मवाद बि जॾहिं मंज़र आम ते आयो त यकीननि मशहूरी माणींदो। गज़ला शाहीन चंद साल अॻु हैदराबाद में वफ़ात करे वई आहे। समीन हीअ बि असांजी गज़ला शाहीन ऐं असांजे अॼोके प्रोग्राम जी जेकी आहे टीं आहे लेखका आहे समाज सुधारक आहे आत्मा ज़रा काज़ी पंहिंजो किताबु मशहूरु किताबु आहे आऊं जो आई ज़ात। तारीख़ उन्हनि क़ौमनि खे यादि रखंदी आहे जेके पंहिंजे मज़बूत हथनि में कलम जी नोक पकिड़े सच जी साख ॾींदियूं आहिनि। हुकूं उन्हनि किरदारनि खे यादि रखंदियूं आहिनि जेके कलम जो तक़दस बाल रखंदा आहिनि। अहिड़ा माण्हू ई तारीख़ जा उर्दा उजरा किरदार हूंदा आहिनि जिन ते सदन ताईं ईंदड़ नसुल बि नाज़ कंदो रहंदो आहे। अॼु आउं हिकु अहिड़े किरदार ते कलम खणी लिखणु वेठो आहियां जंहिंजी सचाईअ जा उब ऐं सितारा बि साखी बणियल आहिनि ऐं उहो किरदार बि बख़्तावर जी अखर जी मिटीअ जी मीरास आहे।
जै सच त मारवी जो उबर वतनी वाले किरदार के कुवत बख्शी है थर जाई फातिमा ज़हरा काज़ी जै थर जे बड़बांग भिटन में उन वक्त जन्म वरतो जै वक्त थर के फक्त बरी कोठियो विंदो हो पर उन ही थर मां जदे आबशारन जड़ा लफ्ज वण लगना है तड़े वसकारे जे मुंद में वंदड़ कारूंदर जे नदन के मथ से रश केंदो है ठकान जो लफ्जन की पेंजी अहमियत होंदी है लफ्जन जो बार खणण हर कें वस में ना होंदो पर असां जे थर जी इन खाउड़ी कलमकार सच जी साखी फातिमा न रुगो कलम जो भरम रखियो पर उन ही कलम से उन अड़ो तो सच असा के सामूँ आंदो है जै सच की गोला में महात्मा बुद्ध जड़ा महापुरुष ब सदन तई रियाजतू कंदा रहा पर उन्हें भी वो सच पल पी न सको हूँ भी मजमूरी तौर दिसजे तो थर के पस मंदर में तमाम घट लिखो है उस्ताद राजचंद्र राठौर के तारीख रेगिस्तान मंगारा मोजा के पुरानो पार्कर इस्माइल उसानी के शेरे रेगिस्तान का को भी अड़ो किताब सामू अची न सको है जैमें थर के समाजी हालत की ओख डोक थियल होन बार जैसे कें हद थर के समाजी हालत की अकासी थियल है तो वह फातिमा ज़हरा काज़ी के इन किताब में नजर अचे थी खास तौर से थर की औरत के पीड़ाओं बाबत फातिमा ज़हरा काज़ी जेतुण को घणो कम को लिखो है न उन शायरी कई न उन कलम निगारी वसीले पे हजार के आम तई पहुंचा पर इन आत्मकथा लिखी पे अंदर के पान वेन जज्बन के असाजे सामू आंदो है असाजे सिंधी अदब में केतर आत्मकथाओं लिखी व्यू हैं जिनमें सच कूड़ बिन्हीं जो किरतव गड गड हल्दों नजर अचे तो मुख्य इन वक्त तीन सिंधी अदब में लिखल तमाम थोड़े आत्मकथाओं में कें हद तीन सच जहा सुनहरी किरण नजर आया न तो तकरीबन वर्जाव शिकार है सगे तो अड़ों आत्मकथाओं छपियों हुजन जी हकीकत से मबनी हुजन मुँह न पढ़ी हुजन पर इतने एक गाल वाजा कह हलान तो एक भेरे सिंध के दाए मोहम्मद इब्राहिम जोय का पुछो तो साई अब आत्मकथा छो न था लिखो तो पा मु जवाब इनाऊँ तो आत्मकथा लिखजे तो महात्मा गांधी रूसो वागुर लिखजे न तो लिखजे ही न वे साहब कें भी सिंधी अदब में छपल आत्मकथा जो हवालो न दिनो हो सो असाज इन थर जी कलमकार फातिमा ज़हरा काज़ी की आत्मकथा और उही जात के सच्चाई की साख भरे थी फातिमा ज़हरा काज़ी 24 अप्रैल 1927 के दीपे जो खुशहाल घराने में जन्म वरतो संत वाल्द मखी गुर मोहम्मद उन वक्त सेनेटरी बोर्ड जो चेयरमैन हो पढ़ियल लिखल होने कर साजा सुरत जजी हुई डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच एक भेरे बाबा साईं वट आयो हो शाह लतीफ के सुर ससुई जी कें बैत की सिट अणपुरी हुई सा बाबा साईं के मुकमल कर दिनी हुई मखी गुल मामन पिपले में छोकरन के तालीम लाए स्कूल कायम करायो उनकी या सोच हुई तो तालीम से जितो हक छोकरन जो है ओतरो ही छोकरन जो है तें करे छोकरन लाए अलग स्कूल होने घुर्जे उन पेंजे साथन में गजी 1933 में डिप्ले शहर में छोकरन लाए स्कूल कायम करायो जैमें सब का पेरी पेंजो ब न्याणियों दाखिल करायाई उन बाद बेन मानुन के बामदा कयाई तो धीरन के पढ़ायो अड़ी रीत थर जेड़े पुठते पेर खिते में छोकरन सा गड छोकरन की तालीम बाम थियन लगी फातिमा जी तो नंढपुण का न्यायती ज़हन हुई हर साल इम्तिहान में पे नंबर खी हुई स्कॉलरशिप जहाँ इम्तिहान भी पास कंदी रही हुई जैसे उन सतू दर्जो पास किया तो सागे स्कूल में वो मास्तरियाणी मुकर थी ये असंद खुश नसीबी हुई जो जै स्कूल में पढ़ी हुई उन ही स्कूल में पढ़ाने शुरू किया मेहनती हुई ज़हन हुई बेबाक हुई वही गाल तो उनके मानन से मारवी वागुर प्यार उनसियत हुई उन पा एक हंध लिखो ये तो सुठो ख्याल इंसान के वे दर्जे रसाए तो अड़ी तरह उन सारी जिंदगी सुठन ख्याल की उणत कई वह छोकरी जहाँ तमाम घनी लाडकोट से पलजी वही थी उन छोकरी जो जैसे निकाह पान का वही उम्र के अग में शादीशुदा इंसान से थो तदें भी उन सब्र जो दामन हथा न छो न्यायती बुर्दबारी से इन उन रिश्ते के पैं वन फैसलो समझी कबूल किया वो संत वालदेन की तरबियत जो असर हो या उनकी तबियत में समायल वड़ हो सदाई वर कंदी रही उन्हें जेतुणक वर से कुलो मिलाए हलन की जुस्तजू कई हर मोर पे खावन की खिदमत कंदी रही पर खुदा जहा फैसला भी कदें कदें ढा दुखोंदर औलाद न बचद हो खास तौर से जो भी पुट जमद हो सो गुजारे वो उन्हें वैलूर में गरंदी तड़पंदी रही पर उन हर शे के रब की रजा समझी कबूल किया जैसे खुदा राजी थो तो उनकी झोली में पुट भी विधाई जी अगत न्याय की सदोरा समाज जड़ा साबित थे जिन तक अज भी नवाज है
उन दौरान खेस मुख़्तलिफ़ कैफ़ियतन में गुजरन पो एक हंध पा लिखो अथस केतरा ही दिन संदस वर संस गलायण भी छे दिनों हो अड़ा केतरा ही इंतशाफ उन्हें नातम कथा में कया पर उन्होंने न्यायती मौजब अंदाज में लिखो अस जिन दिलाबारी नहात्मा जहरा काजी एक बुर्दबार खातून है जो पैं सारी जिंदगी समाजी कम में गुजारी दुखन डीह में पोया कर कपड़ा सिबण भर्त भरण पुथन से चढ़ण दौरान इलाक में औरतन की सार संभाल लड़न गरीबन लाचार औरतन की वसायर मदद करे बाबा साईं के कायम करायल स्कूल की सार संभाल लड़न गोठ के छोकर के स्कूल मोकल उन हर तरह हिम्मत अफजाई करे धीरन के आला तालीम दियारण सही पोस्टू वहन इन पैं घर में कम कर खिदमतगार जो भी ओतरो ही ख्याल रखियो जो घर के भाती जो रखो वो है वो पैं मिजाज में न्यायती समाज सुधारक रही है फातिमा पैं आत्मकथा में मत जिक्र कल गाल अलावा केतरा ही दिलचस्प किस्सा लिखा जो उन दौर के थर के हालत की अकासी करण माराड़ी के मानन की अबोजाए सादगी के रोशन कंदा इन केतर जायन के सिंधी बोली जहा दिलचस्प मुआवरा भी इस्तेमाल कया तो केतर जायन उन अड़ू तो महबूब चश्मियों सजूँ जो पढ़दड़ रुक तो वे सोच जो उन्हें सागर में बुध तो वे मिसाल तौर वो पैं वर लाइ लिखे थी मूँ भी उन चंदन से गड रही उदायू छे दिनों चंदन लफ्ज़ तो बिटाई भी पैं शायरी में कतब आंदो है पर जै माना में असान इन लिख का कतब आंदो है तो सतन लफ्ज़ की अहमियत ही बधाए छो है या वरी किथ थो कोयार किथ पी हथ हणदे भुग दादा कौड़ा हुआ मुझो साख डोड़ो थे तोदे की सुहाग धट सारो ढके छो तथल वेहण वेह कर दिनाई तो मुख्य आगे सो मुख्य इं छो इन किस्म जहाँ जे भी मुआवरा इस्तेमाल क्या वन उन्होंने में को नो लफ्ज़ अस मिले तो समझा तो ये मुआवरा असे अदब जो हिस्सो अना तनजी न सकिया उनका सवाए इन बया केतरा ही आम मुआवरा भी कतब आंदा जो आम रवाजी इस्तेमाल रहन अड़ी तरह दिलचस्प मुआवरा तशबियों कतब आने से गड उन केतरा ही ठेठ सिंधी लफ्ज़ को कतब आंदा जो शायद असंधी लुगत जो हिस्सो भी न बनी सकिया हुजन बिलवात बिन्हीं अस दुख पे डोरियासी उब तोड़े छा उबल मुख्य खराब रिसाला पे अचन अरोखो वगैरह ये अड़ा ठेठ लफ्ज़ जो सिर्फ गाले दींदड़ बोली में कतब इंदा रहा पर लिखत में असा अदब हिस्सों बनी न सकिया संत आत्मकथा जो पे हिस्सो आज उत पीकाक प्रिंटर्स पब्लिशर पारा 2014 ईस्वी में छपजी पदरों जो किताब बाबत सिंधी नामवर लेखका महताब अकबर राशदी पैं विचार इन रीत वंडिया मुझे लिए मुसवादो पिण सभी के आम हो एक तो हि तारीर अड़ी सिंधी औरत के कलम में निकल हुई जैसे विरहांगे का अग स्कूल वन मौको मिलो उन बुनियादी तालीम हासिल कई न सिर्फ एतरो बल्कि अगत हली उन फायद उन पान जड़ियन बेन न्याणियों से पोचाने लाए सागी स्कूल में पढ़ाया पुल हाँ माताब की माथे मथे राय अहमियत लायक आई आई पर आऊँ समझा तो पूरी आत्मकथा अहमियत लायक आई छाकाण जो इन सिट सिट में थर की वारी जो पलड़ाव भी पसचे तो मारवी के खथी की खुशबू भी है तो थर के पेरन खुंदन लुलुर मरीड़े लयार डांगेटन साफ है तो मारू मानुन की मोहबती निराश भी है शाह लतीफ की शायरी जहा दिन तो मत तो अचल हुजन उतान के दुखन दर्दन केतर ही कथाओं समायल जर इन आत्मकथा के आम किताब न समझन घुर्ज इन एक अलग जुदा अहमियत है छाकान जो ये किताब सिंधी अदब के मौक केतर ही राह हमवार कौके अड़ो खूबसूरत किताब सिंधी अदब में शामिल कराने के लिए डॉक्टर आफ्ताब अबरे के भी याद कदा हलूँ डॉक्टर आफ्ताब अबरो जो जैसा अपने जैसे पी एच डी कई है सिंधी ग्रामर जो तमाम वो जानू है इनको जो है सो सिंधु लिखत से सिंधी ग्रामर से सिंधु लिखत के असूल से मुख्तलिफ़ वक्तन से चार किताब छपजी चुका है उनका सवाई पाक पिकाक प्रिंटर्स पब्लिशर जो मालिक है ही जो सो किताब जै खूबसूरत अंदाज में असने हथन तक पहुतो है इनमें डॉक्टर आफ्ताब अबरे जो भी मेहनतू शामिल खेस जस हुए आऊँ समझा तो ये किताब जदें भी सुबानी के मौक़ सिंध के किरदार लिखण शुरू करो तो उत बख्तावर सोरख के बागल बाई से गड असि लेखका फातिमा जहरा काजीब
ضرور شامل ہوندی۔ تھکان جو ماروی کے دیش کی خوبصورت تاریخ اڈن میں اسان ان لیکھکا جی بھی پتی شامل ہے۔ ہاں ان وقت کراچی میں پہ اولاد سے گڈ رہائش پذیر رہے سندس ایک پٹ کمشنر ہے حیدرآباد میں ان وقت سازی شاہد پرویز جو پڑھ پڑھ لکھ مہنگا ہے سلجھل ہے جکا سا قومی سوچ رکھدڑ ہے جیسے جذبہ موجود ہے کہ خاندان بنیادی طور پہ ہر سال لاگاتل ہے ان کے اندر میں سندس مٹی کی جکا محبت ہے سدائیں آباد رہے اصان دعا یہی ہے۔ حضرت سامعین اصان اجوکے ان پروگرام جو منائتوں لکھکا ہوئی عطیہ داؤد غزالہ شاہین بھٹو فاطمہ زہرا قاضی ان کے تعاون ساموں پیش کیا جن کی خدمتوں جن جو پوریو جن جو لکھنوں جن جا خیال ہاں ہاں میزبان علی ہزاری سر کے اجازت ان شاء اللہ اندر ہفتے وی کن لکھکاؤں سے گڈ اوانے ساتھ میں اوانے سنگ میں سندھ سلامت سات سلامت اوانی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔